तो बड़ी खबर यही है कि कठुआ गैंगरेप को लेकर फैक्ट फाइंडिंग टीम ने अपनी रिपोर्ट पीएमओ को सौंप दी है और कुछ ही देर में गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात भी होगी। फैक्ट फाइंडिंग टीम से जुड़ी मोनिका अरोड़ा से बातचीत की हमारे संवाददाता सैयद आमिर ने। कठुआ गैंग रेप पर पूरी रिपोर्ट पीएमओ को दी जा चुकी है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मोनिका जी हैं। मैम, क्या रिपोर्ट में है जो पीएमओ को आपने सौंपी है? देखिए, फैक्ट फाइंडिंग टीम के नाते हम 5 सदस्य जम्मू गए थे, कठुआ गए, वहाँ रसाना गांव में गए। वहाँ जाके हमने देखा, जो लोगों से बात की, जो पुलिस से, सरकार से बात की, एक्यूज विक्टिम की फैमिली से बात की, क्राइम सीन पर गए, तो ध्यान में आया कि इट्स अ टोटली बॉश्ड अप इन्वेस्टिगेशन, इट्स अ शॉडी इन्वेस्टिगेशन, बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं। ऐसा लगा कि लोगों को टॉर्चर करके भी उनसे कन्फेशनल स्टेटमेंट्स ली जा रही हैं। तो हमने रिपोर्ट दी है, हमने कहा है कि बच्ची के साथ न्याय होना चाहिए, जितनी बर्बरता से उसके साथ उसका मर्डर हुआ है, दुष्कर्म हुआ है, न्याय होना चाहिए। और न्याय के लिए उसका तकाजा है, पहली बात, कि फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जो इसलिए हमने सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड की। मैम, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है ये कि ये मामला जब से शुरू हुआ, हालांकि हम रेप विक्टिम की तस्वीर नहीं दिखा सकते, वो तस्वीर वायरल होती है, कि ये तस्वीरें कहाँ से आई, इसके बारे में कुछ इन्वेस्टिगेशन? मुझे लगता है कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट रहे होंगे मीडिया में भी। उन्होंने वेस्टेड इंटरेस्ट के तहत कहा कि देवस्थान को मंदिर कहा, फिर कहा कि वहाँ एक तहखाना है जो है ही नहीं है वहाँ पर, फिर बच्ची की हाई रेजोल्यूशन कैमरा से फ़ोटो ली गई, उसके बाद चार्जशीट जो नॉर्मली उर्दू में होती है जम्मू में, वो इंग्लिश में दी गई। पहले मीडिया हाउसेस को चार्जशीट दी गई, एक्यूज़ के लॉयर्स को लड़ना पड़ा, कोर्ट में कहना पड़ा कि चार्जशीट की कॉपी मिलनी चाहिए, उसके बाद उनको इनकम्प्लीट चार्जशीट दी गई। तो मुझे लगता है कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जिन्होंने इसमें एक एजेंडा सेट किया है। मैम, इसमें जो पीएमओ को आपने रिपोर्ट दी है, पीएमओ की तरफ से क्या जवाब आपको मिला? देखिए, हमने अपनी रिपोर्ट दी है, उन्हें कहा हम एग्जामिन करेंगे। कुल मिलाकर के ये फैक्ट फाइंडिंग टीम जो है कठुआ गैंग रेप मामले पर जांच करने के बाद यहाँ पहुंची, पीएमओ को रिपोर्ट सौंपी है। माना जा रहा है कि राजनाथ सिंह को भी ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। कुल मिलाकर के सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। जर्नलिस्ट अनूप यादव के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।